नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। जब से कोरोना नाम के जानलेवा वायरस ने दुनिया में दस्तक दी है, तब से हर निगाह सिर्फ और सिर्फ चीन को घूर रही है। असल में चीन के वुहान शहर से पैदा होने वाले इस दानव ने इंसानी जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया है। मगर इन सब के बावजूद कोरोना वायरस को लेकर चीन पूरी दुनिया के सामने बार बार झूठ बोलता आ रहा है। अमेरिका पर चीन ने वायरस फैलाने का आरोप लगाया, तो कभी इटली को भी जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अपनी गलती छिपाने के लिए चीन ने कई बार साजिशों को रचा। लेकिन आज हम आप सबके सामने खुलासा करने जा रहे हैं, जिससे काफी हद तक यह समझने में आसानी होगी कि कोरोना वायरस क्या चीन की सोची समझी चाल है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कोरोना वायरस एक प्रकार का बायोकेमिकल टेररिस्ट अटैक है। दरअसल हम यह सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दक्षिण कोरियाई वेब सीरीज माय सीक्रेट टेरियस में एक सीन दिखाया गया है, जिसमें कोरोना वायरस को एक सीक्रेट हथियार के तौर पर विकसित किए जाने का जिक्र है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सीरीज 2018 में आई थी। वैसे तो भारत में ये वेब सीरीज उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके ये सीन देखकर चीन पर जो शक किया जा रहा है वो यकीन में बदलता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल चीन कोरोना को लेकर दुनिया के सामने बहुत कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, पर चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग ने चीन की पोल खोलकर रख दी है। धन्यवाद।